क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आप नीचे भी पढ़ सकते हो, उसी क्वेश्चन की सीरीज को सिर्फ मैंने बोर्ड पे लिखा है। सीरीज को जिस तरीके से F2 blank D8 C16 B32 and so on हमको निकालना है कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे, ये क्वेश्चन जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में काउंट होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आता है, क्योंकि हर एक नंबर या एक डिजिट ये जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका, एक अल्फाबेट है और एक नंबर है, इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ऐसा बोला जाता है। तो हमको यहाँ पे निकालना है कि क्वेश्चन में दूसरा दूसरी ब्लैंक स्पेस कैसे निकाले। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका सेम है जो अब तक मैंने अटेम्प्ट किया है। ऑब्जर्व पहले इसको करो कि अल्फाबेट्स कैसे जा रहा है। अल्फाबेट्स देखेंगे हम तो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ बी सी डी को देखे, तो हम जानते हैं कि अल्फाबेट की शुरुआत होती है ए बी सी डी से, पर यहाँ पे अल्फाबेट्स कैसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और साथ ही साथ इमीडिएट नेक्स्ट जो है वही आ रहा है। तो एक बात की श्योरिटी हो चुकी है कि यहाँ पे अल्फाबेट ई ही आएगा। ओके, ये एक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमको ये पता करना है कि इसके साथ नंबर कौन सा आएगा, नंबर कैसे आएगा। देखो अभी के लिए दोनों छोड़ दो, डी के आगे देखो। अगर डी के बगल वाला अल्फाबेट नंबर देखोगे तो 8, 16, 32। अगर हमने ऐसा सोचा तो 8 2 16, 16 2 32 ऐसा भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से शुरुआत करें तो देखो ये ऐसा भी हो सकता है, 2 to the power 1 फिर ब्लैंक, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 ऐसा भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बात श्योर हो चुकी है कि ई तो अल्फाबेट आने ही वाला है, साथ ही साथ 2 to the power 2 आएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट अगर ये छोड़ दिया जाए 1, 3, 4, 5 एक एक सी इंक्रीमेंट होगा इंडेक्सेस में उसके पावर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको +1, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर कितना आ रहा है E4। ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ऐसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं।